नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नए प्रशिक्षण देंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, मैं पहले ऑफलाइन इस बिजनेस को स्टार्ट की थी, अभी मैं ऑनलाइन में कर रही हूँ। ऑफलाइन में मुझे क्या क्या चैलेंजेस मिली है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला चैलेंजेस जो हम लोग लिस्ट करते हैं, जो हम लोग इवेंट में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, फिर होम मीटिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, फिर कॉलिंग करते हैं, ये सारे चीज़ में मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगी। जैसा किसी को अगर होम मीटिंग में कॉल करते हैं तो उसकी तैयारी बहुत दिनों से करना पड़ता है। हफ्ता में मैं 2 होम मीटिंग करती हूँ और जिस दिन आती है ना, जो टाइमिंग रखते हैं उस टाइमिंग में कोई पहुँचता नहीं, कोई कभी 1 कभी 2 ऐसे पहुँचते हैं, फिर उसको कॉल करना होता है, फिर 2 दिन पहले रिमाइंड करना होता है। ये सारे चैलेंजेस आई थी। फिर ट्रेनिंग में जब इवेंट में, बड़ी इवेंट में जब जाते थे तो जैसा 50-60 लोगों का लिस्ट बना के उसको कॉल करना पड़ता है, 1 दिन कॉल के, फिर 2 दिन पहले, फिर जिस दिन सपोज आज है मीटिंग तो फिर मॉर्निंग से लेकर हमको कॉल लेने कॉल करना पड़ता था, तो उसमें भी 50 लोगों में से 2 या 3 लोग पहुँचते थे, क्योंकि उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं थी। तो इस तरह मुझे कभी मन किया जी ये छोड़ दो, ये फालतू की बिजनेस है। और मैं स्कूटी लेकर जाती थी मॉर्निंग में, जैसा नाश्ता करके घर के काम करने के बाद मैं 10 बजे निकलती थी और पहले से अपॉइंटमेंट ले लेती थी, और वहाँ भी जैसा किसी फ्रेंड के घर में गए, कोई टीचर है उनके उनकी कॉलीग के घर में गए, या तो कोई फैमिली में मुझे कॉल किया, अपॉइंटमेंट दिया, उसमें गए, जाकर 1-2 घंटा बैठ के बातचीत करने के बाद बोलते थे हाँ सब कुछ तो अच्छा है, ठीक है मैं स्टार्ट करूँगी, और फिर लिस्ट भी बैठ के बनाते थे, फिर बोले ठीक है, कॉल करते थे, हाँ ये है वो है, ये बहुत सारा बात। लेकिन जो 2-3 घंटा मैं स्पेंड करती थी ना, उसमें कभी रिजल्ट आती थी और कभी 0 आती थी, तो मैं तो फेड अप हो गई थी। चलो इतना सारे झंझट तो स्टॉप करो, अब तो मैं घर में बोल रही थी अब हो गया, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले टीचर थी और मेरा प्रोफेशन था टीचिंग, तो लगभग 10 साल से ज़्यादा मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, और मैं उसी में ना बस हमको जो इंस्ट्रक्शन मिलता था अपना पढ़ाना लिखाना, पेरेंट्स से, बच्चों से एक अच्छा कम्युनिकेशन करके, एक अच्छा रेस्पेक्टफुली लाइफ था, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें लोगों को बोलना पड़ता है, फिर कॉल करना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग मीटिंग में लेकर जाना पड़ता है, स्कूटी में बैठा के लेकर जाना पड़ता है, वो इतना सारे, अरे सिर्फ स्कूटी में नहीं, अगर सपोज आप कोई कॉफ़ी शॉप में बैठ गए, तो रिसेंटली मैं बहुत सारा अभी कॉफ़ी शॉप में बैठे थे और एक जैसा गॉसिपिंग कर रहे थे, करते करते मेरा मुँह से निकल गया, हाँ चलो भाई ऐसे ऐसे मैं करती हूँ, तो क्या हुआ वहाँ पर बहुत सारा जैसा स्नैक्स हुआ, चाय कॉफ़ी हुआ, समोसा, ये सारी चीज़ हुआ, तो इसमें देखें मुझे पता चला कि ये एक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रही है, जैसा मैं इनकम करें उससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंडिचर हो रही है, आना जाना, तो ये सारी चीज़ मुझे बंद करना पड़ा। और मैंने ना तलाश कर रही थी कोई अच्छा मुझे ऑनलाइन सिखाने की कोई गुरु मिल जाए, तो मुझे मिल गई तरुण सर, मुझे मिल गए, वो डीएनए क्लब की ओनर है और TLF की क्रिएटर है, तो आई एम प्राउड टू बी ए DNA क्रिएटर, और हम सब एक कम्युनिटी है, बहुत अच्छा कम्युनिटी है, तो वहाँ पर मैं सीखती भी हूँ और इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स मिला है। आजकल मुझे ना कॉल करना पड़ता है, ना फॉलो अप करना पड़ता है, ना किसी को कन्विंस करना पड़ता है, ये टोटल ऑफ हो चुका है, ना लिस्ट बनाना पड़ता है। अभी जो सिस्टम में मैं आई हूँ डिफरेंट तरीका है, तो मैं ना आपको एक अच्छा परसेप्शन देना चाहती हूँ, मेरा मिशन है ना जैसे लाखों लोगों ने ऑनलाइन में बैठ के कैसे 1 लाख इनकम, मिनिमम 50,000 इनकम कर सके और कंसिस्टेंसी कर सके लगातार, ये मैं सिखाना चाहती हूँ। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप मुझे कमेंट करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर में कमेंट करना, यस मैम आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, और देन मैं आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दूंगी, जो प्रोसीजर है
फिर बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्सनली मैं कॉल करूँगी, तो कैलेंडली लिंक भी आपको दे दूंगी मेरे कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ से किस डेट में आप मेरे साथ बैठ के बात करना चाहते हो वो जरूर करना। सो नेक्स्ट जो वीडियो है ना, उस वीडियो में मैं बताऊंगी मेरे आगे का मिशन और आगे का मेरा जर्नी, कैसे मैं स्टार्ट की हूँ और कैसे मैं एक अच्छा अचीवमेंट में पहुँच चुकी हूँ। सो थैंक यू।